विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। दिवाली का जो त्यौहार है, जब 14 साल के वनवास के बाद श्री राम जी रावण के सामने युद्ध जीत कर सीता मैया को जीत कर रिटर्न ले आते हैं, तो उसी खुशी में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के दौरान अगर आप लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी की पूजा करते हो तो पूरा साल आपका घर धन धान्य, सुख शांति, समृद्धि से हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, आज का जो शुभ मुहूर्त है, जब सिंह लग्न में चंद्र है, रात को 2:15 से सुबह 4 बजे दिवाली की रात को अगर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी उस समय स्थिर लग्न में पूजा करने से हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी रहती है और हमारे घर में बहुत सारी बरकत और ब्लेसिंग्स मिलती है। तो दोस्तों, आज रात का स्थिर लग्न रात के 2:15 से सुबह 4 बजे तक है। उसमें आपको घर की जो तिजोरी है, घर का जो भी वार्डरोब है, जहाँ हम हमारा धन रखते हैं, चेकबुक रखते हैं, कैश रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, उसकी पूजा करनी है स्थिर लग्न में। और आपको जो पूजा करनी है उसमें एक हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र लेने हैं। इस तरह से गोमती चक्र जो नेचुरल शेल होते हैं, गोमती नदी से आते हैं, इसे इट्स कॉल्ड गोमती चक्र विच इज़ फ्रॉम गोमती रिवर। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु। और पीली कोड़ी जो येल्लो शेल होते हैं नेचुरल, जो रिवर से आते हैं नेचुरल, जिसे पीली कोड़ी कहा जाता है, जो लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है। तो आज के दिवाली पूजन में रात को 2:15 से 4 बजे तक अगर आप पीली 5 कोड़ी और 7 गोमती चक्र और पीली हल्दी की गांठ, ये नेचुरल जो हल्दी होती है टर्मरिक, वो आखी हल्दी की गांठ है, एक हल्दी की गांठ, इतनी चीज़ों को आपको पहले वॉश कर देना है। उस पर चंदन का टीका लगाना है, कुमकुम, चंदन, चावल चढ़ाने हैं और आपको 3 मंत्र करने हैं। ओम गम गणपतये नमः, ओम रीम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः। ये 3 मंत्र 21 times ईच यू हैव टू चैंट। और तीनों मंत्र 21 बार या 108 बार 108 times चैंट करके यू नीड टू कीप दिस इन योर वार्डरोब, सेफ और कैश काउंटर, जिससे आपको पूरा साल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीकली प्रेडिक्शन जो मैं करने जा रही हूँ, इस वीकली प्रेडिक्शन के बदले इस बार मैं दिवाली के दिन पूरा साल कैसा आपका जाएगा 12 राशियों के लिए वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि, एरीस। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए ये पूरा साल कैसा जाएगा। जो हमारा हिंदू न्यू ईयर है, आज दिवाली इज अ बिग डे फॉर हिंदू न्यू ईयर। तो दिवाली के दिन आप देख रहे हो पूरा साल 12 राशियों का जोडियक प्रेडिक्शन। मेष राशि वालों, आपके लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। कोई नए चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, टेक्निकली बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करोगे, ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, नया बिजनेस स्टार्ट करोगे। आपको रिलेशनशिप में जो भी पिंचिंग है उसमें, सारा समय खराब हो जो चल रहा था उसमें अच्छा समय शुरू होकर आप अच्छे से बैलेंस में रिलेशनशिप आपका होगा। बट कुछ ना कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होंगे आपके लाइफ में जिससे आपको बचना है और आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे सेकेंड राशि, वृषभ राशि, टॉरस। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये आने वाला साल, यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप एंड यू विल एन्जॉय विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर टॉरस। बट आपको कुछ वर्क बर्डन, स्ट्रेस हो सकता है, तो आपको मेंटली, इमोशनली अपना ध्यान रखना है। बट आपको रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग होगी, सो यू विल बी वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड हेल्थ। बट करियर में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अब हम देखेंगे तीसरी राशि, मिथुन राशि, जेमिनाई। तो देखेंगे मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये साल कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये साल थोड़ा संभालना है, रिलेशनशिप में कुछ पिंचिंग होगी, आपके ड्रीम्स शायद पूरे ना हो, तो आप
अंदर से कुछ सैडनेस हो सकती है, डिप्रेस हो सकते हो, तो आपको कुछ चीजें होल्ड करके नहीं रखनी है, लेट गो कीजिए, लाइफ में जो है उसमें खुश रहिए, गो विद द फ्लो। फाइनेंशियली दैट ईयर विल बी लिटल टफ, बट आपको कुछ रास्ते ओपन अप होते हुए दिखेंगे, आपको यू नीड टू कीप योर आईज ओपन, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, बट यू विल बी लिटल स्टबन, सो यू हैव टू बी ओपन हार्टेड एंड टेक अपॉर्चुनिटीज वॉट एवर यू गेट दिस ईयर। हेल्थ वाइज कुछ आपका ये साल थोड़ा ओके जाएगा, आपके जो भी ऊपरी वर्ग है, आपके सीनियर्स हैं, उनका सपोर्ट अच्छा मिलेगा आपको। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये साल एवरेज रहेगा। अब हम देखेंगे चौथी राशि, कैंसर कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए देखते हैं ये साल कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों, आप कुछ अनसेटिस्फाइड रहोगे, दिस ईयर विल बी अनसेटिस्फाइड ईयर, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव इमोशनली मेंटली, यू शुड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड पीसफुल, हैव पेशेंस, डोंट होल्ड थिंग्स, लेट गो कीजिए, कुछ चीज़ें आप पकड़ के मत रहिए। कुछ नेगेटिव लोग आपको हार्म कर सकते हैं, तो आपको अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना है, सब चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करनी है। टेक्निकली बहुत अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट आप अच्छा करोगे, अच्छा फायदा होगा, आपको अच्छा रिवर्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी गुड दिस ईयर फॉर कैंसर। कुछ न्यू बिगिनिंग होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, बस आपको रिलेशनशिप में संभालना है। अब हम देखेंगे अगली राशि, पांचवी राशि, सिंह राशि लियो। तो सिंह राशि वालों, देखेंगे ये साल आपका कैसा जाएगा। सिंह राशि वालों, योर टाइम इज गोइंग टू चेंज, न्यू ईयर विल ब्रिंग न्यू चेंजेस इन योर लाइफ, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ चैरिटी, गुड वर्क विल गिव यू गुड रिवॉर्ड एंड ब्लेसिंग आपको मिलेगी, जिस लोगों की मदद आपने की है वो लोगों की ब्लेसिंग से आपके काम होंगे, बट कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप और लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहस नहीं करनी है, रिलेशनशिप में आपको पेशेंस रखनी है और अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है। तो आपके लिए भी ये और बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा फॉर लियो। अब हम देखेंगे छठी राशि, कन्या राशि वर्गो। सो वील सी वर्गो के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो भगवान का इंट्यूशन आपके साथ है, जस्ट आपको अपनी आँख खुली रखनी है, यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन। फाइनेंशियली और मनी वाइज अगर देखें तो एवरेज जाएगा आपका ये साल, कुछ समय अच्छा जाएगा, कुछ समय स्लो जाएगा, बट स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग ऑन यू, सो यू डू गुड कर्मा एंड गुड थिंग्स विल हैपन विद यू। थेफ्ट, आपके अपने आसपास कई लोग होंगे जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ों की या तो चोरी कर सकते हैं, या तो आपकी जो भी टैलेंट है उसकी कोई चोरी कर सकता है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। यू नीड टू कीप योर थिंग्स प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, डोंट शेयर योर बिजनेस विद एनीवन। आपके वैल्यूएबल्स का ध्यान रखिए, देयर कैन बी थेफ्ट ऑफ योर प्रेशियस थिंग्स दिस ईयर, सो नीड टू कीप योर आईज ओपन। नाउ वील सी अगली राशि, तुला लिब्रा। सो लिब्रंस, फॉर यू दिस ईयर विल बी अ ईयर ऑफ जस्टिस, आपके साथ न्याय होगा, जो भी आप फाइट कर रहे हो कई सालों से उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। टेक्निकली यू आर वेरी साउंड एंड यू विल डू वेरी गुड दिस ईयर इन योर बिजनेस, यू विल डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड यू विल गेट वेरी गुड गेन्स इन फ्यूचर, बिजनेस विल रन सक्सेसफुल, करियर विल बी गुड, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम ऑन योर वे, बट आप रिलेशनशिप में अनसेटिस्फाइड रहोगे, आपको पेशेंस रखनी है, ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास है जो आपको बैड स्टेप कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली कई लेडीज ऐसी होगी जो आपसे जेलस होगी, तो आपको अपना ध्यान रखना है, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अब हम देखेंगे अगली राशि, आठवीं राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, धन समृद्धि सुख शांति, लॉट्स ऑफ अबंडेंस मनी एंड एवरीथिंग विल बी देयर, यू विल बी लक्की दिस ईयर एंड यू विल अचीव ऑल योर गोल्स एंड ड्रीम्स, यू विल डू गुड इन योर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बिजनेस करियर, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट आपसी रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप विल बी नॉट सो गुड, आप जो एक्सपेक्टेशन लोगों से करोगे उतना सामने आपको
नहीं मिलेगा तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशन यू शुड नॉट हैव दिस ईयर. जस्ट कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. अब हम अगली राशि देखेंगे, धनु राशि सेजिटेरियस. तो धनु राशि वालों, आपके लिए इस ईयर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है. आपको नाइटमेयर्स हो सकते हैं, कई लोग आपको बैकस्टेप कर सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है. इमोशनली मेंटली यू शुड कीप पेशेंस एंड यू शुड नॉट टेक ओवर स्ट्रेस एंड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव. डोंट टेक एनी बर्डन, वर्क बर्डन नहीं लेना है. एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी. आपके आसपास कई लोग नेगेटिव होंगे जो आपका फायदा उठाएंगे. दे विल डू बैक स्टेबिंग, दे विल डू बैड पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू. सो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है. डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन. बट इस साल में आप बहुत सारी जर्नी करोगे, ट्रैवलिंग करोगे. मनी लक, प्रॉपर्टी लक आपके साथ है. नई प्रॉपर्टी आप ले पाओगे और आपके जीवन में कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है. रिलेशनशिप में भी कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है. अब हम देखेंगे आगे अगली राशि, दसवीं राशि मकर राशि कैप्रिकॉन. तो मकर राशि वालों देखेंगे आपका ये साल कैसा जाएगा. मकर राशि वालों, आपका ये साल रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा जाएगा. यू विल बी हैप्पी, पीसफुल, न्यू फ्रेंडशिप होगी, न्यू रिलेशनशिप होंगे. बट करियर वाइज काफ़ी स्ट्रगल होगी. यू विल बी डूइंग वर्क विल बी टू मच, बट स्टिल यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ एप्रिशिएशन इन योर वर्क. शायद इस साल आपकी हेल्थ भी कुछ खराब हो सकती है ड्यू टू ओवर स्ट्रेस ऑफ योर जॉब एंड बिजनेस. सो कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड पॉजिटिव, डोंट टेक ओवर स्ट्रेस. योर कलीग्स विल टेक योर एडवांटेज. तो आपको अपने को वर्कर पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ज़्यादा फ्रेंडली किसी के साथ नहीं होना है. डोंट गिव योर सीक्रेट्स टू एनीवन, अदरवाइज दे विल टेक योर एडवांटेज. सो ओवरऑल आपके लिए कैप्रिकॉन मकर राशि वालों ये साल ओके रहेगा. नाउ अगर हम अगली राशि अब देखेंगे कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वालों आपके लिए इस साल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे. यू विल डू गुड इन योर रिलेशनशिप. न्यू बिगिनिंग होगी. पास्ट के कुछ रिलेशनशिप में जो पिंचिंग चल रही है उसमें कुछ पैचअप होगा. आपको घर परिवार के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ोगे, इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है. घर परिवार की ब्लेसिंग नहीं होगी तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है. तो कुंभ राशि वालों, आपको घर परिवार के साथ अच्छा समय बिताना है. अपने लोगों के साथ आपको पैचअप करना है. जो रिलेशनशिप कई टाइम से स्पॉइल है वो इस साल पीस होगा, अबंडेंस होगा, मनी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी. बट आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है. आपकी हेल्थ में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, कुछ नेगेटिव टाइम आ सकता है. तो यू शुड कीप योर हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी. बट ओवरऑल आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा. अब हम देखेंगे लास्ट राशि मीन राशि पाइसिस. तो मीन राशि वालों आपके लिए इस साल बहुत अच्छा करियर है, बिजनेस है, स्टेबिलिटी है. जंगलिंग होगा बट स्टिल यू विल डू गुड इन योर वर्क एंड योर बिजनेस. बट पर्सनल रिलेशनशिप में आप डिस्टर्ब रहोगे. यू विल नॉट बी सो हैप्पी इन योर रिलेशनशिप. सो जस्ट हैव पेशेंस, बी पॉजिटिव एंड लेट गो फ्यू थिंग्स. डोंट होल्ड नेगेटिव थिंग्स इन योर हार्ट, दैट विल क्रिएट हेल्थ इश्यूज इन योर लाइफ. सो दोस्तों, आप सबको मैंने ये साल का प्रेडिक्शन बताया है. You need to subscribe to my YouTube channel Aura Divine Tarot Vastu by Gunjan. Instagram है मेरा Aura Divine Crystals. Facebook page है Aura Divine. Thank you. Happy Diwali and happy and prosperous New Year. Good luck to all.